डिंडौरी जिला में परिवर्तन तो जरूर हुआ है, डिंडौरी जिला में विस्थापना के पश्चात परिवर्तन तो जरूर हुआ है, परंतु जितना होना चाहिए उतना अभी नहीं हुआ है। अब इसके लिए हम दोषी किसे मान सकते हैं? जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, राजनीतिक सोच भी हो सकती है, जो यहाँ पे कमी देखी जा रही है। समस्याएं कहाँ क्या क्या हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बोलिए। समस्या जो है यहाँ पे, हम लोग जो है देवदूत रक्तदान परिवार से हैं, और यहाँ पे जिला हॉस्पिटल डिंडोरी में ब्लड बैंक में सेपरेशन यूनिट नहीं है। प्लेटेट आरबीसी एनबीसी अलग होने और सिकल सेल 300 बेड की घोषणा 5 वर्ष पहले हुई थी। 5 बेड एसएनसीयू में है, 10 बेड आईसीयू वार्ड में है, बेबी केयर में 5 बेड हैं। मेल वार्ड पे 20 बेड हैं, फीमेल वार्ड पे 20 बेड हैं, और पेंशनर वार्ड पे 20 बेड हैं। और सोनोग्राफी ओल्ड फैशन है, और अल्ट्रासाउंड और क्या यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जरी नहीं होती है। शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए बाहर भेजा जाता है। एम्बुलेंस में फैटीलाइट ऑटो ऑटू फीलिंग्स नहीं है। और कुल मिलाकर जो समस्याएं आपने बताई हैं यहाँ पर अस्पताल से संबंधित समस्याओं को लेकर हैं। हमारे बीच में यहाँ पर और भी लोग हैं, चूंकि जिम्मेदारों से सवाल भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से कोई सवाल आना चाहेगा, जिसको भी सवाल करना है अपने हाथ खड़े कीजिएगा ताकि मैं आपके पास आ सकूँ। चलिए यहाँ से आगे से कोई सवाल ले लेते हैं। जी, आप लोग आम आदमी पार्टी से हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं आज माँ नर्मदा के पवित्र नगरी में डिंडोरी से मैं और उनके गोद में बोलकर खड़े होकर मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में भाजपा की जो सरकार है, डिंडोरी की स्थिति इतनी विडंबना है। यहाँ पर जो मैं लगातार यहाँ पर उठा रहा हूँ कि साथ साथ जो माँ नर्मदा में माँ रेवा में गंदे नाली जो मिल रहे हैं, इनकी व्यवस्था लगातार भाजपा की सरकार यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, उसके बाद भी नहीं देखे जा रही। जैसे कि अभी मैं मेरे भाई के द्वारा मुझे जानकारी मिली कि यहाँ अस्पताल की स्थिति बहुत बेकार स्थिति है। यहाँ पर पेशेंट आधे रास्ते में ही जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनकी भी बहुत ज्यादा लापरवाही है। दूसरी बात, यहाँ पर 492 स्कूल जो हैं, आज वो स्कूलों के जो बच्चे हैं झोपड़ी में लगाए जा रहे हैं। ऐसी हाल ये मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार की शासनकाल में, और 518 जो स्कूल हैं उनको सैंक्शन के लिए इनने कागज में रखा है, पर ऊपर उच्च अधिकारियों तक उच्च कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी स्थिति परिस्थिति। दूसरी बात, यहाँ पर जो बेरोजगारी का जो असर है, कहर छाया हुआ है, युवा बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, रोड में भटक रहे हैं, उनके न्याय के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और वो जो न्याय मांगते हैं भाजपा के शासनकाल में उनके उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। बारे और विस्थापन की बात आई, यहाँ पर डिंडोरी जिले में चार चार बड़ी बड़ी बांध बांधे जा रही हैं। एक एक मुद्दे पे बात करेंगे, एक साथ सारे मुद्दे उठाइए, मैं पहले जवाब ले लेता हूँ। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, स्थानीय विधायक दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन अब तक इस कार्यक्रम में कोई विधायक या कोई प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं पहुंचा है, जबकि सबको बुलाया गया था। आइए, स्वागत है आपका। चलिए, यहाँ से कुछ जवाब देना चाहेगा, क्योंकि सरकार को लेकर सवाल किए हैं, अस्पतालों को लेकर और बाकी सुविधाओं को लेकर। जी बोलिए। हाँ जी, इन्होंने जो सवाल किया है और आरोप लगाया है, अब ये वास्तविकता से परे है। डिंडोरी में अस्पताल की व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है। कोरोना के काल में जब यहाँ पर सैकड़ों संख्या में मरीज हो गए थे, अलग से वार्ड बनाया गया और अधिक से अधिक व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। ये सारी चीज़ें हैं, मेरी समझ में नहीं आता लोगों को। हाँ, लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। सीटी स्कैन की व्यवस्था की गई है, सोनोग्राफी की व्यवस्था की गई है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी लोग आरोप लगाते रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, जहाँ तक नर्मदा, ठीक है, अस्पताल तो है लेकिन सिर्फ रेफरल बना हुआ है, ये आरोप यहाँ पे लोगों का कहना है। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। अस्पताल को लेकर सोना ने कहा कि सुविधाएं यहाँ पे नहीं है, मशीनें तो लगी हुई हैं लेकिन मरीजों को भटकना पड़ता है, सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। अस्पताल में समुचित व्यवस्था की गई है, और केवल विरोधियों को इस बात के लिए दिखाई देता है कि विरोध करना है, कोई चीज है नहीं, ऐसा कह के वो अपनी इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में 100 बेड का अस्पताल है, सारी आधुनिक सुविधा से युक्त है। गैस ऑक्सीजन जोन नहीं था, ऑक्सीजन जोन तैयार किया गया, आधुनिक किस्म के आईसीयू रूम तैयार किए गए हैं। अब सवाल यह है कि जितनी कैपेसिटी हमारे जिले के लोगों की है, उस हिसाब से अस्पताल में सारी सुविधा दी गई है, और अतिरिक्त बेड की भी व्यवस्था आम नागरिकों के सहयोग से भी
डबल बिल्डिंग बनाई गई है, डबल मंजिल बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें हमारे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी अपने विभाग से 100 बेड लाकर दिए हैं और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, सोनोग्राफी है, इस तरह से सारी व्यवस्था लोगों के लिए है। जैसे जैसे मरीज आते हैं उस तरह का इलाज होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। हम बात डिंडोरी के मुद्दों पर करने की कोशिश करेंगे कि डिंडोरी को यहाँ पर क्या मिला है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप यहाँ पर जुड़े हैं, दोनों विधायक यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि विकास के मामले में बहुत पीछे है डिंडोरी, क्या कहेंगे? 2008 के पहले यहाँ कैबिनेट मंत्री और पूरी तरह से भाजपा का शासन था, भाजपा के विधायक थे यहाँ पर और ओम प्रकाश दुर्वे कैबिनेट मंत्री थे। उस समय मैं गाड़ासरी से हूँ और बजाग मेरा ब्लॉक है, वहाँ दो दो कॉलेज ओमकार सिंह मरकाम जी के विधायक बनने के बाद से हुए हैं। और वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते जिनके क्षेत्र में बीजा डाणी और दो और ब्लॉक हैं, वहाँ आज भी कॉलेज नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी से एक लोगों से पूछ लीजिए, जो विकास हुआ है ओमकार सिंह मरकाम के विधायक बनने के बाद हुआ है, चाहे यहाँ से लेके हम जबलपुर से अमरकंटक जाते हैं, जितने पुल है, बाढ़ आ जाती थी, बहन इस रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी नहीं बांध पाती थी, लेकिन जो विकास हुआ है, ओमकार मरकाम जी विधायक बने, धरना किए, प्रदर्शन किए, आज क्षेत्र में ऐसी कोई रोड नहीं बची है जो माननीय ओमकार सिंह मरकाम जी ने उस रोड के लिए धरना प्रदर्शन न किया हो। जब धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, जब धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, तब भारतीय जनता पार्टी की नींद टूटी है। ठीक है, धरना प्रदर्शन किया गया तब नींद टूटी। बोलिए, वो कह रहे हैं कि बहुत सारा काम यहाँ पर हुआ है, आपको नजर नहीं आता। देखिए, मैं डिंडोरी में विगत 8 सालों से राजनीति में हूँ और डिंडोरी में एक प्रथा चली आ रही है। जैसे अभी रमाकांत जी बोल रहे थे कि विधायक के आने के बाद विकास हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी क्षेत्र की जनता उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उन्होंने 15 साल तक यही कहते आए कि मेरी सरकार नहीं, मेरी कोई नहीं सुनती। लेकिन इन लोगों की एक आदत है, कोई भी काम जब बड़े काम निर्माण कार्य होते हैं तो उसको मैंने कराया, ऐसा श्रेय लेने का, टीआरपी लेने की इनकी आदत पड़ी हुई है। आपको पता है आज मैं नर्मदा जी सामने हैं, नर्मदा जी के तट पर बैठे हैं, इन्होंने रामायण मंडली के नाम के पैसे को तक नहीं बख्शा है। जो मध्य प्रदेश शासन में 230 विधायक हैं, 230 विधायकों के पास उनका ये भी कहना है कि सरकार चूंकि बीजेपी की है तो सौतेला व्यवहार हमारे साथ में होता है। सरकार बीजेपी की है, लेकिन अभी मैं आपको स्वेच्छा अनुदान निधि की बात किया, स्वेच्छा अनुदान निधि में चाहे किसी भी की सरकार हो, सभी विधायकों को बराबर स्वेच्छा अनुदान निधि दी जाती है। ये नहीं कहा जाता कि रामायण मंडली के नाम से आप लोगों के खाते में डाल के और उनको वापस ले लें। इसके साथ साथ आपको बता दूं मैं, ये एक बहाना है काम नहीं करने वालों को। आज मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ, इससे पहले जनपद पंचायत बजाग का जनपद का अध्यक्ष था। मैंने आज तक 8 साल के कार्यकाल में कभी ये नहीं कहा कि मेरी सरकार ने कोई नहीं सुनती। आज आप देख रहे हैं मैं निरंतर क्षेत्र की जो भी समस्या है, जनता जो कहते हैं, उसके लिए डटा रहता हूं, अड़ा रहता हूं और पूरी कराने की पूरी प्रयास करता हूं और करा के भी दिखा। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि कई सारी समस्याएं हैं, जी बोलिए संक्षेप में, बोलिएगा संक्षेप में। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो बोला, मैं आपको उस समय से जानता हूं जब आप विधानसभा चुनाव 2008 में सितार सिंह मरकाम बहुजन समाज पार्टी के एजेंट बनकर के बैठे थे। तब से मैं जानता हूं। और 2008 के जो निर्वाचन में आप सितार सिंह मरकाम जी की ओर से आप बैठे थे और मैं भी कांग्रेस के पार्टी की ओर से बैठा था। और नहीं तो आप बैठे तो थे। ठीक है, निजी आक्षेप ना लगाएं, यहाँ पे निजी बात ना करें, मुद्दों की बात करते हैं। चलिए मुद्दों, हाँ बोलिए 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 वापस। हाँ आ रहा हूँ। जो अभी बोला गया है कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, कल मैंने देखा कि कल एक पेशेंट के लिए O2 सिलेंडर प्राइवेट हायर किया गया है हॉस्पिटल में, और 10 दिन पहले एक महिला मरीज की डायलिसिस में मृत्यु हो गई, उसका डायलिसिस नहीं हो पा रहा, उसको हम लोग ब्लड डोनेशन रेगुलर करवा रहे थे, कल उसका डायलिसिस नहीं होने के चक्कर से उसकी मृत्यु हो गई। अभी केवल एक डायलिसिस यूनिट काम कर रहा है जबकि 11 या 12 यहाँ पर स्थापित हैं, परंतु स्थापना का कोई फायदा नहीं है यहाँ। क्यों ऐसा क्यों? वहाँ पे वर्किंग ही नहीं है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई कुछ है, तो हम कैसे? वो तो कह रहे हैं कि 100 बेड के अस्पताल लगा दिए हमने, बहुत सारे यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है ना। हाँ ठीक है हाँ, चलिए यहाँ से पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, पहले वहाँ से जवाब ले लूँ मैं। जी बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये विधायक जो ओमकार सिंह मरकाम जी हैं, उन्होंने कितने गैस सिलेंडर दे दिए? हमारे माननीय सांसद महोदय फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने 100 बेड का ऑक्सीजन 100 बेड दिया, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट सहपरा डिंडोरी में दोनों जगह लगवाया,
और ये हमारे विपक्ष के कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि स्कूल दो मॉडल कॉलेज डिंडोरी जिला की बहुत बड़ी सौगात है। और अभी सीएम राज स्कूल किसने लाया, मैं इनसे पूछता हूँ, सीएम राज स्कूल किसने लाया, इनसे पूछता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, आप चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, यहाँ बोलिए। जयेश, जयेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आप हैं। एक मिनट आप बोलने दीजिए प्लीज, है ना, अपनी कहानी बोलिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में कॉलेज तो खोल दिए गए हैं आदिवासियों को एक उच्च शिक्षा देने के माध्यम से, मतलब कॉलेज खोल दिए गए हैं, बजाक कॉलेज में एक भी रेगुलर प्रोफेसर नहीं है। इनके पास जो ऑक्सीजन प्लांट बता रहे हैं, 100 बिस्तरीय जो बेड बता रहे हैं अस्पताल में, मैं बताना चाहूंगा डिंडोरी की जो संख्या है 7.5 लाख की संख्या, 7 लाख की संख्या में 100 बेड हैं वो उस अनुपात में नहीं है। यहाँ के जितने भी बड़े बड़े जो जितने भी यहाँ अग्रज लोग बैठे हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, सब अपना इलाज कराने के नागपुर, बिलासपुर, जबलपुर जाते हैं, डिंडोरी में कोई अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है। ओमकार मरकाम हो, चाहे ओम प्रकाश धुर्वे हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार से, मैं कहना चाहूंगा यहाँ जो है विकास के नाम पे कोई विकास नहीं हुआ है। ये डिंडोरा बस पीट रहे हैं, अभी आप देख लीजिए यहाँ 5 अरब का काम हुआ है नगर पंचायत में, अभी आप देखे होंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। ये नर्मदा नदी के जो जितने भी गंदे जो नाली है आज भी बह रहे हैं, 5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, लेकिन आज भी जो है गंदा पानी नर्मदा जी में समाहित हो रही है। और हमारे यहाँ के जो रोजगार है, हमारे यहाँ के जो युवा है, चलिए ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया, मैं चाह रहा था कि कोई स्थानीय जो स्थानीय लोग हैं वो कम से कम नर्मदा की दयनीय स्थिति को लेकर सवाल खड़े करें। यहाँ से अमरकंटक है, वहां से नर्मदा का उद्गम होता है, और सबसे पहला जो अगर ठिकाना है तो वो ये डिंडोरी जिला है, लेकिन यहाँ आते आते क्या स्थिति उसकी होती है तस्वीरें हमने कल भी यहाँ पर देखी जब हम यहाँ आए। आज ये मैट इसलिए बिछवाया है क्योंकि नीचे यहाँ पर देखने लायक स्थिति नहीं थी। अब ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, चलिए जवाब अगर कोई देना चाहे क्यों ऐसी स्थिति है। सर, सबसे पहले आप सभी का कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। आपने को उल्लेख किया, मैं मेरे पीछे जो साथी खड़े उनसे निवेदन करूंगा कि सुनेंगे। इसके पिछले 15 वर्षों से 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन यहां पर काबिज है। मैया नर्मदा का घाट बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नहीं किया है। आप 9 नाले मिलते देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंदगी मां नर्मदा की छाती पर बहाई जा रही है। मात्र यहां पर खामा पूर्ति का काम और पूरे नगर की सड़क को उखाड़ के फेंक दिया गया है, यहां चलने की व्यवस्था नहीं है, और मरम्मत के नाम पर यहां पे सिर्फ और सिर्फ यहां पे डस्ट डालकर प्रत्येक वार्डों में यहां पे खामा पूर्ति की जा रही है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, माननीय कमलनाथ जी का कार्यक्रम, सॉरी माफी चाहूंगा, शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यक्रम होता है, उसके दौरान एक दिन के अंदर यहां पे रोड बना दी जाती है, अगर मैं गलत हूं तो मां नर्मदा को साक्षी मानकर यहां पे सभी लोग बोल सकते हैं कि राय मेडिकल के बगल की रोड एक दिन में बनाई गई है कि नहीं बनाई गई। ठीक है, कोई जवाब देना चाहेगा इसको लेकर कि मुख्यमंत्री जी आते हैं तो सब चकाचक हो जाता है और उनके जाने के बाद सब वैसी स्थिति। देखिए, मां नर्मदा का ये पावन तट है और इस पावन तट पर जो ये गंदे नाले की बात कर रहे हैं मिलने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 करोड़ रुपए की योजना यहां लागू की है। देखिए, कोई भी विकास कार्य होगा, यदि कोई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट डलेगा, ये सारे प्राकृतिक नाले हैं, कोई मानव निर्मित नाले नहीं है जो नर्मदा जी में मिल रहे हैं। जब से मां नर्मदा जी बह रही हैं तब से ये प्राकृतिक नाले नर्मदा जी में बह रहे हैं। यदि इसको कोई गंदा करने का काम कर रहा है तो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, पूरा चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के या किसी भी दल के लोग हो, इसमें गंदा पानी सबका मिलता है। नहीं, जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन इस समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी तो सत्ता में बैठे लोगों की है ना। और आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, ये हमारे पास भी है, ये घोषणा भी हुई, पैसा भी आया, तो गया कहां? एक मिनट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम नगर में प्रगतिरत है, काम चल रहा है। यदि कोई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चलेगा, एक एक घर की नाली को अगर सीवर ट्रीटमेंट से जोड़ना है तो जोड़ने के लिए टाइम लगेगा, रोड को तोड़ना पड़ेगा, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो अंडरग्राउंड लाइन डालना उसको डालने के लिए रोड को खोदना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें प्रोसेस में है, काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, सारे रोडों पे कनेक्टिविटी चल रही है, काम करने में कोई विकास का कार्य संक्षेप में बोलेगा। दिक्कत यह है कि विकास हुआ है पर दिखता नहीं है। इसके पूर्व में श्री पंकज सिंह तेकाम जी, उसके पहले श्रीमती सुशीला मार्को जी, और उसके पहले का मुझे बताएंगे कीर्ति मोसी, आप बताएंगे उसके पहले। मेरा यह कहना है अगर विकास हुआ है
अगर विकास हुआ है तो हमें विकास दिखा दीजिए। यह आरोप लगाना कि सबकी जिम्मेदारी है, बड़े भाई मैं आपकी एक बात से सरोकार रखता हूं कि सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैया नर्मदा को अगर गंदा किया जा रहा है तो हम सबको संभालना है, परंतु आपका शासन, भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ डिंडोरी पे संचालित हो रहा है और यह आपकी 15 साल से नैतिक जिम्मेदारी थी कि आपको इस चीज को सुनिश्चित करना था। ठीक है यहाँ से, हाँ ये एक आप बोलिए। उदासीन विधायक डिंडोरी, जब सीवर लाइन का काम चालू हुआ था तो जेसीबी के सामने खड़ा हो गया कि खुदाई नहीं होगी, ये विधायक है डिंडोरी का, विकास चाहता है कि काम नहीं होने देता, नगर पालिका के काम को बाधित किया है, ओमकार मरकाम ने डिंडोरी नगर पालिका के कामों को बाधित। ठीक है ठीक है, यहाँ के आपस में आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, आ रहा हूँ। एक एक कर सबको सुन लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबको बोलना है, आप ऐसा हल्ला गुल्ला करेंगे तो कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा, बोलिए भैया। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता और डिंडोरी की जनता पिछले 18 साल से त्रस्त है। उन्होंने नर्मदा माँ को नहीं छोड़ा तो जनता की तो बात छोड़िए। दूसरा, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अभी आरोप लगा रहे थे कि स्वेच्छानुदान का पैसा, रामायण मंडली का पैसा, अरे मैं कहता हूँ पहले कोई विधायक रहता था यहाँ पर, लोगों को रामायण मंडली और स्वेच्छानुदान की राशि की जानकारी तक नहीं होती थी। आप बताइए जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी कि आपने सरपंचों के साथ क्या किया। पूरे मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिला पंचायत ऐसी जिला पंचायत है जहां पर TS करवाने के लिए, अनुमति लेने के लिए इन्होंने फरमान जारी किया था सरपंचों को कि आप आइए और TS मेरे पास लीजिए, कमीशन मैं लूंगा। ठीक है, इस प्रकार की। ठीक है बोलिए जवाब दीजिए, एक एक करके जगह बैठिए, चलिए। हाँ बोलिए। देखिए लोकेश पटेरिया जी जनपद बजाक के सदस्य हैं और उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये पत्र मैंने जारी नहीं किया था, जिला पंचायत से जारी हुए थे और उस पत्र में सूचना देने की जानकारी हुई थी। इनकी बदमाशी है, अपनी गलती को छुपाने के लिए ये आरोप और प्रत्यारोप तो लगाते रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिला पंचायत में कोई हमारा ड्राइंग पावर नहीं चलता, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जारी हुआ था और न नागदूर न हसिया सामने नर्मदा जी है, जल उठा के कसम खा दे अगर ये अनुदान रुपए के 1 रुपए की राशि नहीं खाए हैं। आज यहाँ पे विधायक जी भी सामने हैं, उनके कार्यकर्ता भी सामने हैं, इन लोगों को अगर जरा से भी शर्म होगी तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे। चलिए हमारे साथ में यहाँ पर एक मिनट, आ रहा हूँ। हो गया सुनिए भैया, शांत कराइए इनको। ठीक है, उपेन मरावी जी हमारे बीच में, प्लीज। अरे यार क्या कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि समस्याओं को लेकर बात हो रही है। आप शाहपुरा से जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर आपको जनता ने भेजा था, उसके विकास को लेकर आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? निश्चित ही मैंने अपनी शाहपुरा विधानसभा में 15 महीने का कार्यकाल था, हम लोगों का माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, मंत्री जी थे। आज हमारी शहपुरा विधानसभा में, आज चाहे आप सड़कों में देख लीजिए, शहपुरा से बटौंदा रोड हो, चाहे डिंडोरी से आप भानपुर का देख लीजिए, चाहे आप बहनवानी में कॉलेज की बिल्डिंग बनी हुई है, शहपुरा में ITI की बिल्डिंग बनी हुई है, हॉस्पिटलों में भी आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी मशीन हम लोगों ने रोटरी क्लब के माध्यम से देने का प्रयास किया है जो, और एक विधायक के पास में जो विधायक निधि होती है उसका भी मैंने, जो गाँव की जो डिमांड होती थी उसमें कहीं रंगमंच कहीं पानी का टैंकर, कहीं आती परीक्षा लेकर जो छोटे छोटे काम जूझा नहीं, इसमें मैं ऑक्सीजन, जब कोरोना काल चल रहा था तो काफ़ी मशीनें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एम्बुलेंस, शव वाहन चारों ब्लॉकों में मैंने देने का। वो अभी आपके आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ केंद्र से, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। ऑन रिकॉर्ड रखा हुआ है 2018-19 का, हमारे पास लेटर रखे हुए हैं माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री, उन्होंने काफ़ी हमारे क्षेत्र में, काफ़ी क्षेत्रों में काम देने का प्रयास किया और बहुत अच्छा, आज 5 साल हम लोगों की सरकार हुई तो हम लोगों की और कुछ होता, बहुत अच्छा काम करने का हम लोग लगातार प्रयास करते। और माननीय कमलनाथ जी की जो 5 योजना है, चाहे किसानों का कर्जा, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, बिजली बिल उस समय हाफ थे। ठीक है लंबा आपको बोल दिए, थोड़ा बात संक्षेप में रखिएगा, बोलिए। ये डिंडोरी जिले में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का है, यहाँ पर आज भी 2.5 लाख से ज्यादा मजदूर पलायन पर हैं। इस पर सरकार और विपक्ष के लोग गंभीर नहीं है। अभी त्योहार का सीजन, रक्षाबंधन में ये पूरे तट में पूरे जिले के लोग सुबह से आते हैं और बैठे रहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस पर
हमारे माननीय विधायकों को और मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, उच्च शिक्षा से वंचित हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये उठाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक बात है, ये जनहित का मुद्दा है और सबके लिए। एक चलिए एक एक अब आपने यहाँ पे बहुत नारेबाजी सब कुछ कर लिया, आपको बता दूं बात कि आईबीसी 24 प्रतिष्ठित चैनल है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में चैनल देखा जाता है। डिंडौरी की क्या तस्वीर आप यहाँ से पेश कर रहे हैं, या आप लोगों के हाथ में है, तो थोड़ा सा गरिमा कार्यक्रम की बना के रखिए, नारेबाजी इसको राजनीतिक मंच मत बनाइए। बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर आकर ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, डिंडौरी के लोगों की समस्याओं पर बात करनी यहाँ बहुत जरूरत है, तो कम से कम जिम्मेदारी इस बात को समझिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार लाइव का जा रहा है, चल रहा है। चलिए रोजगार पे उन्होंने बात की थी, मैं इस पर सवाल करूंगा सभी से। जी बोलिए बोलिए। मैं सर ग्राम पंचायत खरसारी से हूँ, मैं विधायक से भी दुखित हूँ और बीजेपी सरकार से भी दुखित हूँ। मेरे घर में न गांव में पानी, जल संकट की भारी समस्या है। यहाँ बना देते हैं नल जल योजना, दंड बंद, ये कुछ नहीं हो रहा, सब दिखावा है। और मेरे ग्राम में क्रेशर लगा हुआ है, 7-8 क्रेशर है, मवेशी को चरने के लिए जगह नहीं है वहाँ। हम लोग बहुत परेशान है सर। कौन से गाँव से आए? ग्राम पंचायत खरसारी से आया हूँ। कहाँ, कौन सी विधानसभा लगती है? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 104। ठीक है, डिंडौरी लगती है मतलब। ठीक है, यहाँ से हाँ बोलिए, थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा। युवाओं की बात कर रहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 8 से 10 हजार रुपया प्रति माह उन्होंने घोषणा किए हैं और वह शुरू भी हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्रयास जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर रही है वो कोई नहीं कर रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, घोषणावीर जो मुख्यमंत्री हैं, ना जाने कितनी घोषणाएं उन्होंने करी। आप देख रहे हैं नर्मदा जी का को जो घाट है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने पेड़ लगा के बनाया था, आप पूरी नर्मदा जी के किनारे जाइए, एक भी पेड़ आपको दिख जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरा, कमलनाथ जी ने जो कहा है, भ्रष्टाचार की एक व्यवस्था इन्होंने बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वो सबके सामने है। आए दिन अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पे भ्रष्टाचार की रिपोर्टें अखबारों में भी छपती हैं, समाचार पत्रों में और न्यूज चैनलों में भी आती है। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर डिपार्टमेंट में 50% का भ्रष्टाचार है, बिना कमीशन के एक भी बिल पास नहीं हो रहा है, ट्रांसफर और पदोन्नति जैसी चीजों के लिए कमीशन और पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, कमीशन जैसे आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से एक सवाल बोलिए बोलिए। मैं डिंडोरी के विधायक से पूछना चाहता हूं, आप 15 साल से विधायक और मंत्री हैं, क्योंकि आपने इस क्षेत्र में क्या विकास काम किया है? युवाओं का रोजगार का आपने रोका है। ये जो अभी वहां के ब्लॉक अध्यक्ष बता रहे थे रमाकांत जी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो कॉलेज खुलवाई है, और जितने भी कॉलेज खुले हैं, अभी यहाँ पे LLB प्रारंभ होने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। इन्होंने वहाँ कॉलेज तो है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, ये समस्या यहाँ पे आ रही है, इस पे क्या कहेंगे? प्रोफेसर मैं चूंकि करंजिया का हूँ, करंजिया का महाविद्यालय का अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ से कोई जवाब देना चाहेगा इसका? जी बोलिए। कॉलेज तो खुले हैं पर अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां प्रोफेसर ही नहीं है और नियुक्त नहीं किया जा रहा है। हमने मांग भी किया, इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, तो बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी जब वहां टीचर ही नहीं रहेंगे तो। ठीक है ठीक है, यहां से कोई जवाब देना बोलेगा? आप बोल चुके हैं, और कोई बोलेगा प्लीज? चलिए ठीक है बोलिए। चलिए बोलिए। मैं दोनों दल के यहाँ पर लोग हैं, भाजपा और कांग्रेस के, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप जो भी यहाँ पर बोलेंगे या कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मां नर्मदा आपके सामने में है। और देखिए अभी रही बात कॉलेजों की बात है, मैं ये चाहता हूं कि यहां पर जो डिंडौरी के जितने भी बेरोजगार व्यापम की जो परीक्षा देने जाते हैं वो कहां जाते हैं? 3,000-4,000 रुपया खर्चे करके जबलपुर जाते हैं, इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जहां जहां उनकी सेंटर होती है। अगर मैं यहाँ के स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि हैं और मध्य प्रदेश सरकार जो भाजपा की है, मैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं और आम जनता की ओर से, अगर यहां पर मेडिकल कॉलेज इंस्ट्रूमेंट से सहित अगर यहां पर खोल दिया जाता तो हमारे गरीब जो व्यापम परीक्षा देने जाते हैं
कठिन परिस्थिति और परेशानी लेकर कर्ज देकर जमीन को कर्ज में रखकर गिरवी रखकर जाते हैं, वो बच्चे हमारे यहाँ 20 से 50 रुपया में यहाँ पर परीक्षा देकर अपने घर वापस रख देते हैं। और दूसरी बात, एक मिनट, यहाँ तो देखिए व्यवस्था विस्थापन बड़े बड़े जो बांध बन रही है यहाँ पर, न भाजपा बात कर रही है उनके आदिवासियों को विस्थापन के लिए, न उन बांध को रोकने के लिए। मैं अभी लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, अभी मैं राघोपुर मरवाड़ी बांध में आदिवासियों के विस्थापन की बात भी उन्होंने कही है। जी बोलिए बोलिए आप, और भी बाकी लोगों को मौका दीजिएगा ना। हाँ जी बोलिए। देखिए आज अमर सिंह भैया ने जो कहा है, हमारे डिंडोरी जिले में जो बहुत बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, संविधान और 5वीं अनुसूची कहता है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कभी भी कोई कानून बनाया जाए तो आदिवासियों के परंपरागत मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाना चाहिए। लेकिन हमारे डिंडोरी में क्षेत्र की जनता बिल्कुल नहीं चाह रही कि बड़े बड़े डैम या बांध बनाकर उनका विस्थापन किया जाए। उसके बावजूद भी चाहे बिठल दे बांध, अरंडई बांध की बात कर लें या शोभापुर बांध की, जो बड़ी बड़ी बांधे हैं, इससे पहले कई बांध ऐसे जो बनाए जा चुके हैं, आप देख पा रहे हैं कि उन बांधों को बना के जो उनका मुख्य उद्देश्य था किसानों के खेत तक पानी पहुँचाना, किसी भी बांध में किसानों के खेत तक पानी तो नहीं पहुँचाया गया, लेकिन कंटिन्यू एक व्यापार का संसाधन बनाकर बड़े बड़े बांधे निर्माण कराने के प्रयास में है, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता, संविधान कहता है कि हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासियों के जमीन को अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अधिग्रहण किया गया, उसके अंतर नामांतरण भी नहीं होना चाहिए उनकी। तो ये किसकी गलती है अगर अधिग्रहण हुआ उसके बाद भी, तो कभी भी सरकार तो यहीं पर आपकी है। सरकार देखिए आज भाजपा की सरकार है, लेकिन जब केंद्र राज्य से सरकार जब भी निर्णय ले, कोई कानून बनाए, तो संविधान कहता है कि क्षेत्र की परंपरागत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। यहाँ से आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए बोलिए, इसी विषय पर बोलना है ना कि नए किसी विषय पर? मैं इन सब के जवाब देना चाहता हूँ। आजादी के लगभग 75 साल पूर्व हुए, ये आजादी का अमृत काल चल रहा है। सुनिए, इन 75 सालों में 60 साल कांग्रेस की राज रही है। जब तक 60 साल तक कांग्रेस की राज रही है, किसी गांव में ना चलने के लिए सड़क थी, ना गली थी, ना खाने के लिए कोई दाना नहीं मिल, किसी की उपज इतना नहीं पैदा हो पाता था कि लोग अपनी भोजन पूरा कर सके। जिस दिन भाजपा की सरकार आई, उसी दिन जब बताया गया कि यहाँ बड़ी बेरोजगारी है, गरीबी है, काम के बदले अनाज योजना चालू करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव-गांव खोला, लोगों को रोजगार दिया। डिंडोरी की बात करते हैं, डिंडोरी जिले की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश में हुआ तो डिंडोरी में भी हुआ, पूरे गांव गांव में। ठीक है, विधायक जी, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, 75 साल में 60 साल आप लोगों ने राज किया, डिंडोरी को कुछ नहीं मिला, और 15 साल से यहां पर भी विधायक है, 5 साल से आप भी वहां पर विधायक है शाहपुरा में। जी निश्चित ही, जिस ये 75 साल की बात करते हैं, उस 75 साल में अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी पढ़ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने हुए, और शिक्षा का स्तर भी पढ़ने की वजह से उन लोग बने हुए हैं, और 75 सालों में बहुत विकास, एक सुई नहीं बनती थी उस समय आज़ादी के पहले। आज एक छोटी से छोटी चीज़ है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन थी, मोबाइल इंटरनेट, ये सब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन। ठीक है, ओमकार मरकाम जी हमारे बीच में मौजूद हैं, स्थानीय विधायक हैं, लगातार 3 बार से आप यहाँ पर जीत करा रहे हैं, और कई सारे सवाल यहाँ पर आपके कामों को लेकर भी उठे हैं कि बहुत कुछ किया जाना है, क्या कहेंगे? नर्मदा मैया की, आईबीसी के साथी, नर्मदा की पवित्र तट पर आप सबका स्वागत है। हमारे सभी लोग स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं, और जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, और विकास की बुनियाद में जिस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ना है, उसमें हमारा डिंडोरी जिले भी समाहित है। प्राकृतिक धरोहरों से भरा पूरा हमारे माँ नर्मदा के तट पे बसा डिंडोरी है। हमारे यहाँ जिस तरह की चुनौतियाँ हैं, वो चुनौती सबके सामने है, और उन चुनौतियों से निपटने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी आरोप लगा रहे हैं, 75 साल की, मैं आपकी संज्ञान में ला दूं कि 1952 में पहले चुनाव हुआ था, तो आप अपनी गणना को थोड़ा सा कम करें, और उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी आपके ही नेता प्रधानमंत्री रहे हैं, उसकी टाइम को भी आप समझा कर, हम अभी की बात करते हैं। अभी भाजपा जो विकास देख रहा है 1914 के बाद देख रहा है, अडवाणी जी और वाजपेयी जी के अपमान भाजपा के लोग ना करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और जो विकास कार्य चल रहा है
जो विकास कार्य चल रहा है, आज ये कहते हैं कि हमने सब कुछ, मेरा कहना है एक आम की पेड़ लगाते हैं तुरंत नहीं फलता उरेती जी, उसको टाइम लगता। जो पानी देने वाला है, जो पानी देने वाला है जब बहुत फला, तो जो कुछ नहीं करने वाला जिसको हम लोग कहते हैं ठलुआ भाई, कुछ नहीं करने वाले आज वो मुखिया बन गए, जिनके एक नहीं यहाँ पर चलिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा संक्षेप में रखिएगा बात। मेरा एक सवाल है, आपके आने से पहले चर्चा चल रही थी नर्मदा के आंचल में कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन नर्मदा सबसे ज्यादा प्रदूषित यहीं पर होना शुरू होती है, इसके बाद आगे जाके स्थिति और दयनीय होती है, तो ये यहाँ पर क्या चीज दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि ये जहाँ कार्यक्रम हम कर रहे हैं यहाँ पर भी कल बहुत गंदगी थी, हमने सफाई करवाई अपने स्तर पर तब ये कार्यक्रम कर पाए, तो ये ऐसी स्थिति क्यों है आखिर? मैं आपको बता दूं, मैं माँ नर्मदा के किनारे हूँ, मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था जिसमें इनके जो मंत्री जी हैं हरदीप सिंह डंग जी, उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया है कि नर्मदा जी में कोई गंदगी नहीं है, ये मंत्री जी कह रहे हैं, भाजपा के लोग सामने हैं। मैं ध्यानाकर्षण की आपको पटल की कॉपी दे दूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, और मैं दलगत नीति से ऊपर उठ के जब नर्मदा सेवा यात्रा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन मैं किया था, इसलिए किया था कि आप नर्मदा जी के भक्त हैं, आप नर्मदा जी के। अब जब मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति अपने वचनों में सफल नहीं हो रहे हैं, हरी चुनरी सफल नहीं हो रहा है, माँ की सफाई सफल नहीं, थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, मेरे पास बाकी लोगों के पास में जाना है, ठीक है? आ रहा हूं। सभी को जोहार। मैं पेशा एक्ट जो लागू हुआ है 2022 में, उस पर बात करना चाहूंगा कि सरकार ने पेशा तो नियम बना दिया है, पर हमारे गांव में रेत खदान है, हमारे पंचायत में 3 रेत खदान है। सरकार कहती है कि ग्राम सभा को पहले परमिशन लेकर रेत खदान नीलाम करेंगे, पर नीलामी की प्रक्रिया में सरकार ने इसको इंक्लूड कर दिया, उसमें दीवारी कमको मोहनिया खदान है। तो पैसा कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित में था, पर जिस तरीके से आज पैसा का अनुपालन हो रहा है और जिस तरीके से उनके नज़रअंदाज किया जा रहा है ग्राम सभा को, ये गलत है। इस पे हमारे बीजेपी के जो साथी हैं इस पे जवाब दें और सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि पेशा में स्थानीय लोगों को रेत खदान से लेकर बाकी खनन का अधिकार मिले, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले और पलायन को रोका जा सके। ठीक है, पेशा को लेकर इसका जवाब पे देना चाहेगा, बहुत महत्वपूर्ण जी। एक और सवाल यहां से ले लेते हैं जी। अभी मैं एक चीज विधायक बीजेपी सरकार से एक सवाल करना चाह रहा हूं। आप 18 साल से इस मध्य प्रदेश में सरकार में हैं, उन 2006 में जो कानून बना था वन अधिकार कानून, डिंडौरी जिला में 86 वन ग्राम है, आज तक मुख्यमंत्री जी ने उस कानून को यहाँ डिंडौरी में लागू नहीं होने दिया, आज भी हमारे आदिवासी लोग वन अधिकार कानून से वंचित हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? और एक बात और है, आप जो है ना बीजेपी वाले केंद्र से लेकर के राज्य तक आप लोग आदिवासियों के साथ जो आप लोग इस तरीके से जो आप शोषण कर रहे हैं, मणिपुर के घटना आप देख लो, मणिपुर पे बहुत चर्चा हम कर चुके चैनल पे, हम डिंडौरी की बात कर रहे हैं, डिंडौरी की बात कर रहे हैं। जवाब तो ले लू पहले, जवाब ले लेता हूँ पहले, सवाल बीजेपी से हुआ है, जवाब तो कम से कम देने दीजिए जी आप। हाँ बोलिए बोलिए, पैसा का बोलिए। पैसा को लेकर आरोप उनका ये है कि कानून तो बन गया लेकिन उसका सुविधा या उसका लाभ जिसको मिलना चाहिए था आदिवासियों को, वो मिल नहीं रहा है। बोलिए। देखिए, पहली बार एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है पैसा कानून हमारे आदिवासी अंचलों में लागू किया। दूसरी बात, भाई साहब ने कहा है, सुन लो, ये जो पैसा का जो है अधिकार ग्राम सभा को है वो कैसे है, सुन लो, खनिज के मामले में जल जंगल जमीन जिसमें खनिज है, जो भाई साहब कह रहे थे खनिज का मामला। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत को नहीं है अधिकार आपको। हाँ, एक एरिया बना हुआ है, जैसे जल के मामले में 2.5 हेक्टेयर तक के जल के जो अधिकार है वो ग्राम पंचायत को है, उससे बढ़कर जो है बड़े बड़े डैमों का जो है जनपद को है, जिला को है, उसी प्रकार राज्य सरकार को है। इसी प्रकार जो है खनिज के मामले में ग्राम सभा को एरिया के हिसाब से उनको सीमित अधिकार है, उसके बाद जिला को अधिकार है, राज्य सरकार को अधिकार है। इस चीज को जो है पैसा कानून में हर पंचायत में मोबिलाइजर बना के जो है रोजगार, जिसको स्वमय रोजगार स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस चीज को जितने भी हमारे, ठीक है, जवाब हो गया, ठीक है, संक्षेप में बोलिएगा, संक्षेप में। हेलो, मैं
ये सभी अगर नारेबाजी समाप्त हो गई है, दो मुख्य बिंदु बोलूंगा। ये जो सबसे बड़ी योजना चल रही है लाडली बहना योजना, आज मेरे पास बैगा चक से ग्राम पंचायत पड़रिया कला से कुछ बैगा आए थे और उन्होंने बोला कि भैया हम लाडली बहना के पैसा नहीं मिले। मैं कहा नहीं के भाई तोला, तो उन्होंने बोला कि हमको बैगा आहार भैया बोल आपको जब इनको जब योजनाओं की जानकारी ना हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। पोषण आहार अनुदान राशि जो कि केंद्र शासन की योजना थी, जो कि समस्त बैगा महिलाओं को टोकन के रूप में दी जाती थी 1000 रुपए, अब माननीय एसी सहायक आयुक्त महोदय जी के द्वारा यह बोल दिया गया है कि तुमको एक योजना का लाभ मिलेगा। या तो वो गरीब है उनको बैगा है तो उनको या तो उनको टोकन का भी पैसा दो या तो लाडली बहना का भी दो। और मेरा यह कहना है आईबीसी के माध्यम से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो बैगा है वो गरीब है उनको टोकन का भी पैसा दो और उनको लाडली बहना का भी पैसा दो। उनको तो आपकी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार इस आने की तो इससे वादा कर रहे हैं आप लोग जी? अगर कांग्रेस आएगी तो ये वादा कर रहे हैं कि आप लोग? हम विधायक बनेंगे निश्चित रूप से। ठीक है बोलिए। ये जो आप बोल रहे हैं लाडली बहना योजना का कुछ क्राइटेरिया तय है, जिनको पोषण आहार के माध्यम से जो अति पिछड़ी जाति हमारी जनजाति बैगा है उनको 1000 का लाभ मिल रहा है तो उनको जो है लाडली बहना का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना में नियम है, इस नियम के आधार पर योजना बनी है। अभी हमारे भाई कह रहे थे बेरोजगारी है, पलायन हो रहा, हमारे जयेश के प्रदेश अध्यक्ष बैठे यहाँ पे, माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के माध्यम से इनकी गाड़ी लगी है और इनको स्वयं को रोजगार मिला है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ से बोलिए बोलिए बोलिए। हमारे अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं लाडली बहनाओं को 1000 रुपया दे रहे हैं, हमारे मामा जी और बहनों के जीजा से सारा ऐंठ ले रहे हैं, कहीं टमाटर महंगा कर रहे हैं, कहीं अदरक महंगा कर रहे हैं, कहीं प्याज महंगा कर रहे हैं। आज तक 18 साल में मामा को कभी बहनों की याद नहीं आई, आज ये चुनावी स्टंट दिखा के ये गांव की बहनों को बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है बोलिए बोलिए। माननीय मैं अध्यक्ष जी का जवाब देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को मैं सुन रहा था। मैं बेरोजगारी के मामले में बता दूं, डिंडोरी जिले में त्योहार के सीजन को छोड़कर यहां से भोपाल के बस में पूरा खचाखच भर के यहां के लोग पलायन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी डिंडोरी में है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, 1 लाख भर्ती की घोषणा करी थी सरकार ने, लेकिन पटवारी जैसे घोटाला आपके सामने है, इसमें देखना चाहिए कि जितने भी युवा हैं उन युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है, पूरा डिंडोरी जिला खाली है, सबके घर में ताला लगा के सब लोग कहीं रायपुर कहीं बिलासपुर कहीं। ठीक है, रोजगार और पलायन एक बड़ी समस्या है जी। आ रहा है, बोलिए। लाडली बहना की जो मेरे कांग्रेस भाई बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूं, आज से जब मैं शादी होके आई थी, आज से 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सरकार की, हमारे यहाँ तो ये डॉक्टर चिल्ला रहे हैं। उस समय तो इनकी डिलीवरी रोड में गड्ढे इतने थे कि बस में बैठ के बहन आती थी, बेटी आती थी, उसकी डिलीवरी हो जाती थी। ये लोग सिर्फ बौखलाए हुए हैं क्योंकि ये सरकार में नहीं है, क्योंकि ये सरकार में नहीं है इसलिए बौखलाए हुए हैं। 15 डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और आने वाले समय में ये जो लाडली बहना की, ये इनकी भाई साहब बौखलाहट है, ये भाजपा को सुनना ही नहीं चाहते इनकी ये। ठीक है, लाडली बहना को लेकर, हाँ क्या कहें लाडली बहना को लेकर, बोलिए बोलिए। ये बहुत रोजगार की बात कर, लाडली बहना उनको उस पर, लाडली बहना और उसी की बात कर रहा हूँ। माननीय महोदय बहुत रोजगार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, जिला स्तर पर भर्तियां होती थी, गांव खेड़े का आदमी नौकरी पर लगता था, गांव खेड़े का युवा नौकरी पर लगता था। आज व्यापम घोटाले के माध्यम से पूरे देश के लोगों को डिंडोरी में नौकरी के लिए भेजा जा रहा है और डिंडोरी का युवा बेरोजगार घूम रहा है, डिंडोरी का कोई। ठीक है, अगर वहां पीछे से भी कोई सवाल करना चाहता है तो अपने हाथ खड़े कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास में। पीछे से भी कोई सवाल जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज शिवराज सरकार जो हम लोगों को बहनों को लाडली बहना योजना से सम्मानित कर रहे हैं, ये महंगाई पी के उन्हीं कर रहे हैं। आज हम लोगों को महिलाओं का घर का बजट बिगड़ रहा है, हैं हम लोग बच्चे जो गरीब महिलाएं हैं जो मध्यम वर्ग की हैं उनकी हालत आप पूछिए आज क्या हो रही है। आज तो ये लालीपॉप दिखा रहे हैं, 1000 रुपए लेके अपना बोर्ड मजबूत कर रहे हैं, ये घोटाला सरकार है और कुछ नहीं है खाली बस। जी बोलिए संक्षेप में बोलूंगी, सुनने की क्षमता शिवराज सिंह चौहान की बहनों के प्रति, जब
बहन गर्भ में आती तब से लेके मृत्यु तक की योजना चलाई जा रही है। सिर्फ आपको अगर जानकारी नहीं है तो कल आप लोग मेरे पास आना, मैं आपको सारी योजनाओं का लाभ दूंगा। ठीक है यहाँ से अगर पीछे से भी किसी को सवाल करना है हाथ खड़े कीजिएगा, आऊंगा आपके पास में। इधर से एक सवाल आपको ले लेते हैं, आ रहा हूँ जी, बोलिए। भैया मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासित सांसद माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते लगभग 3 पंचवर्षीयों से सांसद हैं, लेकिन आदिवासी की दृष्टि से इस क्षेत्र में आज तक रेलवे लाइन के विषय में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे सारे आदिवासी वर्ग यहाँ असंतुष्ट है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आदिवासी वर्ग पूरी तरह से यहाँ पे असंतुष्ट है, आप कुछ कहना चाहिए। कांग्रेसी अभी बोल रहे थे कि युवा बेरोजगारी बढ़ रही है। माननीय कमलनाथ जी ने पूर्व में घोषणा की थी कि हम युवा बेरोजगारों को 4,000 का बेरोजगार भत्ता देंगे। किसी को मिला का बेरोजगारी भत्ता? 15 महीने में सरकार चली गई। 15 महीनों में बेरोजगारी भत्ता दिए क्या? कल किसान ने कर्जा माफ किए क्या? किसी युवाओं को 4,000 बेरोजगारी भत्ता दिए क्या? दिए है क्या? ठीक है, आदिवासियों, हाँ बोलिए। जिस विषय में ये बात कर रहे हैं कि रोजगार भत्ता वाला, 15 महीने तो सरकार थी, उस 15 महीने में तो राजकोषीय घाटा को जीरो कर दिया, तो वंचित वर्गों को कैसे मिलेगा? मैं स्वयं एक विद्यार्थी हूँ। माननीय टोपी वाले भाई साहब कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के व्यक्ति को दिल्ली जाना पड़ता है। उनको मैं याद दिला दूं कि व्यापम में कभी कोई दिल्ली नहीं जाता, राज्य का व्यक्ति राज्य में ही नौकरी करता है और राज्य में ही सेंटर मिलता है। और अभी बता दूं, जो पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है उसमें ग्वालियर के सारे केंद्रों को वो हटा दिया गया है और सारे केंद्र 12 केंद्रों को जबलपुर में दिया। मैं कल पुलिस भर्ती परीक्षा दे के आया हूँ। ठीक है। विडम्बना देखिए, यहाँ पर जय जय श्री राम के नारों के सामने 84 सिख दंगों के सस्पेक्टेड दंगानाथ कमलनाथ जी के जय जयकार के नारे लग रहे हैं, शर्मनाक है। चलिए, पर्सनल आक्षेप आ रहे हैं। हाँ, आ रहा हूँ यहाँ से सवाल, बोलिए। ये तस्वीर लेके मैं मध्य प्रदेश शासन के जो स्कूल है, हमारे डिंडोरी के जो स्कूल है, मेहंदवानी ब्लॉक के मटियारी के स्कूल है, आप ये विकास देख सकते हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में स्कूलों के साथ छलावा किया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार का मैं विरोध करता हूँ। आदिवासी अंचल में एक गुणवत्ता युक्त अच्छा भवन हो, अच्छे टीचर हो, अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। इसको देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। देखिए, जो शिक्षा के क्षेत्र की बात हम करें डिंडोरी में, अभी जो इंद्रपाल मरकाम जी ने भी बताया आज जो डिंडोरी में शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जो छात्रावास और स्कूलों के मरम्मत के लिए 22 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे और निर्माण कार्य वैसी की वैसी है और 19 करोड़ रुपए आहरण कर लिए। कमलनाथ जी ने तो 50% का आरोप लगाया था, ये 50 भी नहीं, 80% से ऊपर का घपला किया जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा। ठीक है। यहाँ बोलिए। यह तो पूरा आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे जो महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी को ना उनकी आंख में दिख रहा है ना कान में सुनाई देख रहा है। भाजपा वालों, आप लोग कहते हो कि विधायक जी ने 15 साल में क्या किया है, मैं एक एक गिनवा दूंगी और आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे। ठीक है, आइए, बोलिए, जोर से बोलिए। सर, मेरा सवाल यह है, यहाँ सभी उपस्थित सभी लोगों ने राजनीति की बात की है, मेरा सवाल यह है कि डिंडौरी जिला आदिवासी बहुल है, हमारे दोनों विधायक आदिवासी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासी समाज को लेकर जो इतिहास है, संस्कृति, उसका संरक्षण नहीं किया जा रहा। भाजपा अपने आप को आदिवासी हितैषी कहती है, लेकिन इसके बावजूद पेशा कानून लाने में उन्होंने अभी जस्ट 1 साल पहले लाए थे, कहीं चुनाव आ रहा है। और मैं अपने विधायकों से भी सवाल करना चाहता हूं, अगर आपकी जब सरकार थी या आप विधायक हैं तो आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर आप आदिवासी अस्मिता, आदिवासी संरक्षण की बात क्यों नहीं करते? आदिवासी अस्मिता को लेकर आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या किया है? क्योंकि जनप्रतिनिधि आप हैं, सरकार भले ही बीजेपी की, आपने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9 अगस्त 2019 को मैं मंत्री था ट्राइबल विभाग का, मैंने आदिवासी दिवस की छुट्टी देने के लिए कमलनाथ जी से अनुरोध किया, छुट्टी दी है। राजा शंकर साय रघुनाथ साय जी का जो प्रेरणा केंद्र है, गृह मंत्री जी आकर के उस प्रेरणा केंद्र की दर्शन किए, उसके निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि और 48,000 स्क्वायर फीट की जमीन हमने देने का काम किया।
आदिवासियों के देव स्थानों के संरक्षण संवर्धन और विकास के लिए हमने आस्थान योजना बनाया, जिसके तहत 50 लाख रुपए करबे मट्टा, 1 करोड़ रुपए चौगान सभी जगह, इसको इन्होंने बंद कर दिया। आदिवासियों की सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए जन्म पे 50 किलो, 1 क्विंटल दशगात्र में 25,000 का बर्तन, ये हमने चालू किया, इसने बंद कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को लड़ाने का काम कर रहा है। और आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किए, देश की संसद का उद्घाटन में राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आ रहा हूँ। अरे पहले उनसे सवाल करने दीजिए, बोलिए। मैं हमारे विधायक से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो बैगचक गांव में जो बैगाए हैं, उनके जो पट्टा है उनको दिलाएगा कौन? और फिर जो हमारे लोग जो हैं, आज के जो युवा हैं, वो पलायन करके लगातार जा रहे हैं बाहर, तो यहाँ पे क्यों नहीं रोजगार दे सकते हैं? वो उद्योग क्यों यहाँ पे स्थापित नहीं कर सकते? मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, वो जवाब दीजिए। और फिर बैगचक गाँव के जो बैगाए हैं उनकी अभी तक उनको पट्टा क्यों नहीं दी जा रही, ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब जवाब विधायक जी से हम क्वेश्चन करना, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोलना चाहता हूं कि इन लोगों को 84 का जो दंगा याद है, जी जी 84 के दंगा के बारे में बोल रहे हैं, आदिवासियों के जो बहन बेटियों के ऊपर हत्या बलात्कार और गोली कांड जैसे हो रहा है उसके बारे में भी बोलना चाहिए। ठीक है, बोलिए। जो कांग्रेस की सरकार थी पूर्व में, वो कहती थी कि 1 रुपया अगर देती है सरकार तो यहाँ 54 पहुँचती है लास्ट तक, और जनधन योजना के तहत, और सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी अगर 1 रुपया केंद्र की सरकार अगर राज्य की सरकार पहुँचाती है तो जमीन स्तर तक केवल 1 रुपया पूरा का पूरा पहुँचता है, ऐसे जनधन योजना का कार्य। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, मैं आ रहा हूँ सबके पास, आ रहा हूँ। कुछ सवाल विधायकों से पीछे थे, विधायकों से सवाल उन्होंने क्या था, जी बोलिए 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 बोलिए। जिला संगठन मंत्री हूँ, बोलिए बोलिए। मैं आदमियों को तो पहले चुप, भैया एक मिनट, लगातार नारेबाजी करने को सुन। भाई साहब, मैं पूर्व विधायक जी के प्रश्नों को उत्तर देना चाहता हूँ। पूर्व विधायक जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 75 वर्ष में कुछ नहीं किया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहूँगा कि 2014 के पहले डिंडौरी का चंद्र विजय कॉलेज, भाखड़ा नंगल बांध, भिलाई लोह इस्पात कारखाना। सर प्लीज सर डिंडौरी पे बात करिए ना सर, मैं इतना दूर से डिंडौरी पे बात कर रहे हैं सर। सर भाखड़ा नंगल पे बात हो चुकी है, यहाँ की बात करिए। चलिए यहाँ से जी रेलवे, बोलिए बोलिए। रेलवे लाइन को लेकर भी मांग है लंबे समय से, रेलवे नहीं है। अब मेरे सामने भी संकट है कि हमको आगे जाना है, हम कैसे जाएंगे? रेलवे लाइन का जहाँ तक सवाल है, ये पुराना विषय है। मैं तो विकास की वजह उनका जवाब देना चाहता हूं भाई साहब का। डिंडोरी जिले में पूरे सालों में 1 कॉलेज थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज 11 कॉलेज है। हमारे आदिवासी बालक अशिक्षित हो, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, इस बात का ध्यान रखकर 11 कॉलेज खोला। एक एक विधानसभा क्षेत्र में 22 हायर सेकेंडरी स्कूल है, 22 हायर सेकेंडरी। चलिए आगे आइए, जल्दी आइए, मैं आखिरी दौर में हूँ, कार्यक्रम मुझे खत्म करना है, आखिरी दौर में। चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जुमलेबाज हैं, बारिश जैसे मेढक जैसे आ जाते हैं। सर मैं सहपुरा विधानसभा क्षेत्र के अमरपुर ब्लॉक के आखिरी बॉर्डर से आता हूँ सर। मैं विधायक जी को भी नहीं पहचानता कौन है हमारे क्षेत्र के विधायक। सर मैं बता देना चाहूंगा सर, भारतीय जनता नल जल योजना की बात करती है सर, मेरे गांव में 1 साल से पाइपलाइन बिछी अभी तक चालू नहीं हुआ है सर। वहां पर एक ढोल बीजा वन ग्राम है सर, वहां पर पहुंच मार्ग नहीं है। आज भी आप जाएंगे सर, आप गाड़ी से नहीं पहुंच सकते। जवाब ले लेते हैं, पुलिया भी नहीं है सर, इतनी विकट परिस्थिति है हमारी। आपका ही विधानसभा का क्षेत्र है, वो कह रहे हैं बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई है, क्या कहेंगे? शेपरा विधानसभा में 201 ग्राम पंचायतें हैं, निश्चित ही बहुत बड़ा क्षेत्र है। मिनकी ढोलबीजा भी गया था, दो से तीन बार मेरी याचिका लगी हुई है विधानसभा में, और मैं खुद ही क्षेत्र में जाता हूँ। इन लोगों को पता नहीं, पर मेरे कार्यकर्ता है देवारी ढोलबीजा, काफी गाँव गया हूँ, और बहुत सी चीजें मैं याचिका के माध्यम से, विधानसभा क्वेश्चन के माध्यम से। और रही अभी कुछ हमारे मित्र बोल रहे थे, कुछ मित्र मुझे बोल रहे थे
कि बेरोजगारों की बात कर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जब कोरोना काल चल रहा था पूरी डिंडोरी जिले का, जब मैंने शासन प्रशासन से डाटा मंगाया, 40,000 लोग डिंडोरी जिले से पलायन कर रहे थे, 40,000 लोग, जिसमें से 10,000 के आसपास तो मेरे पास डाटा रखा हुआ जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे। शासन प्रशासन के माध्यम से मैं उस पर, हमें जो डाटा मिला, मैं हमारे शहपुरा विधानसभा में 40 एकड़ की जमीन मैं भी चाह रहा था मेरी डिंडोरी। चलिए चलिए, अब सब लोगों के पास मौका है, बीजेपी के पास भी मौका है, कांग्रेस के पास में भी मौका है, जनता को आपने सुना, ढेर सारी समस्याएं, कई समस्याएं जो यहाँ आजादी के बाद से लगातार बनी हुई हैं, अब इन समस्याओं का हल जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि जनता अगर चुन के भेजती है तो फिर उसके बाद ना कांग्रेस ना बीजेपी, यहाँ पर स्थानीय विकास सबसे ऊपर होना चाहिए। कई समस्याएं हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार जो जनप्रतिनिधि चुन के यहाँ से आएगा वो तमाम विकास की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उन पर भी ध्यान देगा। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जन कार्यवाह में फिलहाल इतना ही, खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।